कौन बनेंगे राष्ट्रपति, आया एक मंत्री का नाम। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के संभावित दावेदारों में आज मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम सामने आया। इधर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच नागपुर में एक बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। विकास भदौरिया की खास रिपोर्ट। ये उदाहरण दिया था कि भाई मैं भी अनुसूचित जाति का हूँ, मजदूरी करने में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमसे मंदिर बनवा लेते हो, हमसे कुआं खुदवा लेते हो और जब वो आपका हो जाता है तो दर्शन करने से रोकते हो। इस प्रकार की प्रवृत्ति आज भी यदा कदा सुनने को मिलती है, इसको रोकने का काम हमको करना चाहिए। थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। दलितों की हालत बताने वाले मोदी सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत का ये बयान पिछले महीने सुर्खियों में रहा था। पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा अब राष्ट्रपति चुनाव की रेस में आ चुका है। चर्चा है कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को चुनाव मैदान में उतार सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाते हैं गहलोत। पहले चर्चा थी कि बीजेपी किसी गैर राजनीतिक चेहरे को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर विपक्ष को समर्थन देने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन अब पार्टी का मानना है कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे उसके पक्ष में आने के बाद अब राष्ट्रपति के लिए जरूरी वोटों की संख्या उसके साथ है। ऐसे में राष्ट्रपति बीजेपी से ही होना चाहिए। 69 साल के थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के उज्जैन से आते हैं। 80 के दशक में राजनीति शुरू की, 3 बार विधायक रहे और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1996 से 2009 तक शाजापुर सुरक्षित सीट से लगातार 4 बार सांसद चुने गए। 2009 में चुनाव हारने के बाद 2012 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे गए। बीजेपी में फैसला लेने वाली समिति संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। आरएसएस के प्रचारक रहे थावरचंद गहलोत पार्टी के सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन के चुनाव भी लंबे समय तक थावरचंद गहलोत की ही जिम्मेदारी रही है। संगठन क्षमता के धनी थावरचंद गहलोत को आरएसएस की भी पहली पसंद माना जाता है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो पैनल तैयार हुआ है, अभी उनमें से एक नाम फाइनल होना है। थावरचंद गहलोत के अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का नाम भी एनडीए के उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। एक और नाम झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का है। अगर मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। उधर बाबरी मामले में फंसे बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर कल आरोप तय किए जाएंगे। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर आडवाणी और जोशी के नाम चर्चा में आ चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।